नमस्कार दोस्तों, प्लम्बर दोस्त में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गेट वाल के बारे में और बॉल वाल के बारे में, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, किस जगह कौन सा वाल लगाया जाता है। पूरा वीडियो देखिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं हम बॉल वाल के बारे में। देख सकते हो बॉल वाल है, अविको कंपनी का आता है, एक काबा प्रोडक्ट का माला है और कोई ब्रांडिंग नहीं हो रही है, ओनली आपको बताया जा रहा है क्या है। फॉरगेट बॉल वाल लिखा हुआ है, साइज लिखी हुई है, बाकी ब्रांडिंग लिखी हुई है चारों तरफ और कुछ ज़्यादा MRP वगैरह कुछ भी मेंशन नहीं है इस कंपनी पे। तो इस टाइप इसकी पैकिंग आती है, सबसे पैकिंग पे भी अविको लिखा आता है और बाकी इस टाइप का बॉल वाल आता है। देख सकते हो आपने मार्केट में, आपने कभी भी बॉल वाल लेने गए होंगे वहाँ आपने देखा होगा। और ये है गेट वाल, गेट वाल का पूरा भी स्पेसिफिकेशन दोनों का एक एक वीडियो बनाया हुआ है मैंने, जाके आप देख सकते हो चैनल पे। और इस टाइप का आता है गेट वाल, गेट वाल लिखा आता है, 25 mm लिखा आता है। अब प्राइसिंग इसमें 750 लिखी हुई है, जो मार्केट में लगभग 500 से 2000 रुपए तक का वाल बॉल वाल मिलता है एक इंची में भी। अलग अलग वेराइटी आती है, बाकी टेस्टेड 300 LBS तक ये प्रेशर झेल सकता है या एयर झेल सकता है, दोनों ही चीज़ झेल सकता है, प्रेशर भी झेल सकता है और एयर भी झेल सकता है। अब हमें कौन सा किस जगह लगाना चाहिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बॉल वाल के बारे में। तो बॉल वाल हमेशा आप जहाँ पानी होता है ना वहाँ लगाना चाहिए, और गेट वाल पानी के साथ एयर, और इस टाइप से देखिए ओपन और क्लोज होता है, मैं आपको पूरा बताऊंगा। लेकिन आपको बता दूं गेट वाल जहाँ एयर मतलब ज़्यादा प्रेशर हो ना उस जगह गेट वाल का उपयोग किया जाता है, और बॉल वाल का जहाँ पानी वगैरह का उपयोग होना होना नॉर्मल प्रेशर हो, घरेलू लाइन्स हो वहाँ यूज़ कर सकते हो। और गेट वाल का जहाँ हैवी लाइन्स हो, जहाँ प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो, बड़ी बड़ी मोटर लग रही हो या एयर पंप लग रहे हो, वहाँ गेट वाल का उपयोग लेना चाहिए, सबसे बेस्ट रहता है गेट वाल। बाकी आप घरेलू यूज़ में भी गेट वाल लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती और लॉन्ग लाइफ के साथ चलता है। बॉल वाल की लाइफ थोड़ी कम होती है गेट वाल से, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको कहीं पे भी दोनों में डिफरेंस बता दूँ तो गेट वाल की लाइफ सबसे ज़्यादा होती है। और बात करते ही ये हमारा बॉल वाल है, और ओपन क्लोज तो आप देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ ऑन और ऑफ़, तो इस टाइप से ऑन ऑफ होता है, सिंपल से इसमें लॉजिक है। और नॉन रिपेयरेबल होता है बॉल वाल, क्योंकि इसमें अंदर जो बॉल आती है ना वो लोहे की आती है, SS की आती है, जो कभी जाम हो जाती है तो काम करना बंद कर देती है। और गेट वाल आप देख सकते हो ओपन और क्लोज किस टाइप से होता है, अंदर एक गेट जैसा होता है वो ऊपर नीचे होता है, और ये रिपेयरेबल भी होता है। इसका पूरा वीडियो मैं आपको डालूंगा कि रिपेयर कैसे कर सकते हैं, इसमें भी कई बार रिपेयर नहीं हो पाता कोई कारणवश, बाकी इसमें एक सिस्टम आता है उसे खोल के सही कर दो तो रिपेयर की एक पूरा वीडियो आएगा आपके लिए, पूरा स्पेसिफिकेशन वीडियो आएगा रिपेयर के ऊपर। इस टाइप से देखिए गेट ओपन और क्लोज हो सकता है। और बॉल वाल में क्या होता है, एक बॉल होती है जो एक हैंडल की सहायता से होती है। इसमें क्या देखिए, जो ऊपर हैंडल होता है ना वो लोहे का आता है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने के सबसे चांसेस ऊपर हैंडल के रहते हैं, बाकी बॉल वाल बहुत कम चांस में ख़राब होता है। और बॉल वाल देख सकते हो आप इस टाइप का होता है जो एक हैंडल की सहायता से बॉल को कंट्रोल करता है। तो गाइस वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।